दरातल पे जाइएगा कोई नहीं मिलेगा की हर जगह से तो जराम चुनाव नहीं लड़ेंगे ना एक जगह से लड़ेंगे तर्थ? बाकी जगह कैंडिडेट उसका कौन है कैंडिडेट तो उनका स्टेज में हमको दिखता नहीं है हम कई बार उनका ये कि आप आप जीत गए मान लो तो का कोई भी पार्टी नहीं है mm. एकदमिकलाना संघर्ष का बेना है mm. संविधान बनाना होगा ऐसे नहीं होता है कोई पार्टी कोई नहीं बनता नेता ऐसे नहीं बनता संगठन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा संगठन और पार्टी एक आदमी वन मैन वन मैन वन मैन, मैन वैसा नहीं चलेगा को फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन आया है क्या पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है अभी हम लोग को झारखंड का जो हमारा ज्वलंत मुद्दा ही बोला जाए उसको का आने वाला दिन में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड उतल पुतल में है अभी जो वर्तमान सरकार है वो भी उनको एडी बड़ी जोर परेशान कर रहे हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं कि जयराम भी काफ़ी संघर्ष में है और एक तरफ देख रहे हैं मैं है, यानी बीजेपी तरफ से आप कलबली मचा हुआ कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए किसको सेट किया जाए बहुत सारा बातें हैं तो आज हम लोग पूर्व विधायक माननीय सूर्य सिंह बेसरा जो आप लोग जानते हैं कि ये राजनीति में कई एक्सपीरियंस है ए, कई आ, पहले विधायक बन चुके हैं और विधायक बनते बनते और इनका जो आप ज्ञान तो आप देखें ही हैं किस प्रकार बातें करते हैं अगर देखा जाए तो तेज तरह के रूप में विधायक बदलाव ला सकता है जनता यानी कि यहाँ के युवा में जो सोशल मीडिया में जो ज़्यादा एक्टिव है उन लोग ज़्यादातर वो लोग जयराम को मुख्यमंत्री बनेगा इस प्रकार से कई लोग बोल रहे हैं लेकिन जयराम का भीड़ में सिर्फ जनराम जयराम वन फोर वन मैन आर्मी दिखते हैं उनका जो स्टेज में कोई आदमी मतलब बुद्धिजीवी हो चाहे कोई भी नज़र नहीं आते हैं स्टेज में कोई बैठने वाला नज़र नहीं आते हैं स्टेज में सभी कोई वहां चढ़ जाते हैं तो उससे पता चलता है कि जयराम वन मैन सेलिब्रिटी है वो नेता नहीं है हमको भी ऐसा लगता है क्या इसमें क्या बोलेंगे आप दे आप जिससे पूछ रहे हैं जयराम तो आज की आवाज़ है और नौजवानों की आवाज़ है जो कार्य शैली है इसे काफ़ी अंतर है सूर्य सिंह बेसरा के साथ का कि 1986 में मैं जब युवा थे मैं विद्यार्थी थे और उस समय का आप यकीन नहीं कर सकते हैं तमाम मैगजीन घुन खा गया कहीं सड़ गया गल गया उस समय ये सोशल मीडिया नहीं था नहीं। और 1986 इंदिरा गांधी की हत्या 84 और उसके बाद जो है ना 86 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाते हैं आज सो राजीव गांधी प्रधानमंत्री इतना स्ट्रांग केंद्र में था बीजेपी का कोई नामोनिशन नहीं था उस परिस्थिति में मैंने बिहार बंगाल उड़ीसा बृहद झारखंड परिकल्पित झारखंड में जो हमने संगठन खड़ा किया निर्मल मा मातो का हत्या होता है 1987 में 88 में प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाते हैं झारखंड बंद विरोध में करते हैं और बाद के दिन में 89 में बहत्तर घंटा झारखंड बंद करते हैं आप मजाक बात है बिना एम एल ए बिना एमपी का बिना राजनीतिक पार्टी का लीडर को देख रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा आज भी मैं जिंदा हूँ लोग जिंदा शहीद बोलता है मेरा अनुभव कूट कूट के हैं मैं कानून की किताब लिख सकता हूँ मैं झारखंड का एक एक नीति का निर्धारण अपने से कर सकता है किसी के सुझाव का नहीं हाँ मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील को दिखाऊंगा विशेषज्ञों को दिखा सकता हूँ ये जरूरी भी है लेकिन मैं ड्राफ्ट बना सकता हूँ तो मेरे जैसे आदमी मैं विकल्प तैयार कर रहा हूँ और आप कोई आदमी बोल देगा मैं रैली रैला कर रहा हूँ ऐसे बहुत लोगों को देखा है आप देखिए गुजरात से जो एक पैदा हुआ गुजरात से पैदा हुआ हार्दिक पटेल हार्दिक पटेल हार्दिक पटेल केवल प्रधानमंत्री को गाली देता था अपने गुजराती समाज से जो जैसे, है ना। जैसे अभी जयराम जी मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है रैली कर रहा है इसे भी बड़ा बड़ा हजुम था हार्दिक पटेल का और इसके बाद एक हस्ती को हमने देखा ये को देखा कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार को है जे से पैदा हुआ जे में पूरा हंगामा हो गया है ना बहुत उल्टा पुल्टा देश तोड़ने वाले देश जोड़ने वाले नहीं बहुत सारे ऐसे भी आरोप लगा उस पर हाँ। लेकिन इतने मैंने इतने काफी चर्चित काफ़ी चर्चित चेहरा था हाँ। वो आज कांग्रेस में चला गया हार्दिक पटेल बीजेपी में चला गया आज देख लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूँ आप लोग तो, आपको है राजनीति उस भीड़ में वो राजनीति आम आदमी पार्टी जो रातों रात बना वो राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका नाम है और उसके बाद उसका नेता जो है ना अरविंद केजरीवाल है अनुभवी एक पढ़ा लिखा आदमी है उसके बाद है जमाम जो विद्वान लोग है पत्रकार लोग थे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बड़े बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोग थे किरण बेदी जैसा आदमी प्रशंत भूषण जैसे सुप्रीम कोर्ट का वकील आज तक का जो है ना मैंने बहुत सारे लोग लोग जुड़े थे वहाँ पे और जोगेंद्र यादव जैसे हुँ, हुँ, हुँ. तो तब जाके आम आदमी पार्टी हुआ बनाबली सुबह जयराम पीछे जयराम के पीछे तो कोई दिखता नहीं।, नहीं है कोई जी भी, कोई बुद्धिजीवी कोई विद्वान कोई अनुभवी नहीं है इवन मैं भी अभी नहीं हूँ उसके साथ मेरे को भी लेके नहीं चलना है और मेरा आलोचना कर रहा है आप देखिए मैं सोशल मीडिया में लाइव में होता हूँ मैं कितने किताब की बात करता हूँ इतिहास लेकिन सब लोग बोलता है सीएम एम सीएम सी एम तो समझ में नहीं आता क्या चाहिए ऐसे कई चीज़ देख चुका हूँ मैं अपने अनुभव में मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और बहुत बुढ़ापा नहीं हूँ अभी भी मैंने बहुत कुछ बोल सकता हूँ बहुत कुछ लिख सकता हूँ बहुत कुछ मैंने अनुभव को शेयर कर सकता हूँ मैंने आसाम के छात्र आंदोलन ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्ल महंतो को चीफ मिनिस्टर होते हुए आसाम जाके देगा मैं गोरखालैंड सुभाष घिसिंग से जाके कितना गुप्त मीटिंग किया हूँ कितना मन मैं, मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ गोरखालैंड जाके उसकी फोटो आज भी सुभाष घिसिंग के साथ मेरा है तो इतना बड़ा अनुभव लेके हमको दरकिनार कोई कर देगा कोई नौजवान और बना देगा आप रोटी बना दोगे क्या मजाक समझ राजनीति से जहाँ पर प्रधानमंत्री देश की राष्ट्रपति बीजेपी का है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तेज तरार आदमी गृहमंत्री अमित शाह जैसे आदमी पूरे जो है हर राज्य में राज्यपाल उनका इतने बड़ी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा केडर ओरिएंटेड कार्यकर्ता आधारित संगठन विश्व का सबसे बड़ा बीजेपी आज बन गया है उसका विश्व हिंदू परिषद है उसका ए है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसका बजरंग दल है उसका उसका जो ना है ना विश्व हिंदू परिषद है मोहन भागवत है उनका पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन है तब ये राजनीति में भी चुनौती कहीं कहीं हार जाता है आप ऐसे ही एक रैली कीजिएगा कोई भाषण दे रहा है पलट दीजिएगा क्या पलट दीजिएगा अरे मैं अनुभवी आदमी हूँ मैं इन इन तेईस वर्षों के अंदर में एक विधायक नहीं बन सका मेरा इतना अनुभव जानकार रहने के बावजूद भी जनता जागरूक नहीं है जो जनता भेड़िया दर्शन है और भीड़ वोट में तब्देली नहीं हो सकता इस तरह संगठन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल कमेटी बनना आगे चाहिए जिस हिसाब से देख रहे हैं कि आप दरातल पे जाइएगा कोई नहीं मिलेगा ताकि हर जगह से तो जराम चुनाव नहीं लड़ेंगे है ना एक जगह से लड़ेंगे बाकी जगह कैंडिडेट उसका कौन है कैंडिडेट तो उनका स्टेज में हमको दिखता नहीं है हम कई बार उनका ये करेंगे उन कैंडिडेट को हम ही इंटरव्यू करेंगे आप भी कीजिएगा उनको बोलेंगे भारत का संविधान के कहाँ प्रावधान है जो विधायक बनने के बाद सफल लोगे तो बाप बाप कर जाएगा बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू तो इंटरव्यू सबका लेना है आपको अगर बोलना होगा कि आप आप जीत गए मान लो जयराम महातो का कोई भी पार्टी ए बी सी डी अभी जो बनाए वो पार्टी नहीं है एकदम अव्यवहारिक है जो संगठन चला रहा संघर्ष का बना रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता नाम बदलना होगा संविधान बनाना होगा ऐसे नहीं होता है कोई पार्टी कोई ऐसे नहीं बनता नेता ऐसे नहीं बनता संगठन ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा संगठन और पार्टी एक आदमी वन मैन वन मैन वन मैन वैसा नहीं चलेगा कोनो फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन आया है क्या कोनो हीरोइन आया भीड़ 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 ऐसा नहीं हमने बोला कोई आलोचना नहीं वास्तविक तो बात अनुभव बोल रहा हूँ अब भिल्कल, मेरे भिल्कल। को कोई आलोचना करता है उसको सुर सिंह बेसरा के नाम से उसको दूसरा अगला जन्म में पैदा होना होगा मैं बता रहा हूँ मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ सुर सिंह बेसरा का संघर्ष का गथा आज चालीस साल पार किया है एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट संगठन बनाता है और 50 साल पुराना झारखंड आंदोलन को दिल्ली में वार्ता कराता है उन्हें टेबल टॉक में नहीं हरा पाता है मैं अपने दम पर एमएलए खड़ा होता हूं मैं जीतता हूँ लालू लाल करता है मेरे लाश पर झारखंड बनेगा और मैंने एक साल पांच महीने के विधान ऐसा कोई मरद है जिंदा दिल है कोई त्यागी पुरुष है कोई मैं खामोश होके इन लौंडा छोड़ा लोगों का छोकरा लोगों का मैं कमेंट्स देखते रहता हूँ सोशल मीडिया में सोशल मीडिया हो गया तो जाना किसी को गाली दे दोगे ए हैं ना वो मर्यादित बात बोल दोगे सिटी बजा लोगे किसी को हीरो बना दोगे ऐसा भीड़ कोई हम मला देंगे कोई बॉम्बे का कोई आदमी आएगा और बोल देंगे एक बॉम्बे का फिल्म का हीरो कोनो आदमी हीरो में आदमी जमा हो जाएगा लाख लाख आदमी हीरोइन आ गया हम लोग शूटिंग देखने जाते थे घाट सिला जमशेदपुर वगैरह में बहुत भीड़ जुटता था लाख लाख रांची में आता है एयरपोर्ट में सला रोड जाम हो जाता है ऐसा मत करिए राजनीति ऐसा नहीं होता है मैं जो अभी विधाई का पाठशाला चला रहा हूँ उसमें संविधान का विधि विवान पाठ पढ़ा रहा हूँ पंचायत के एक मुखिया को पंचायत एक्ट मालूम नहीं है बताइए जल जंगल जमीन का आंदोलन करता है उसको फॉरेस्ट एक्ट मालूम नहीं है पैसा एक्ट बोलते हैं हमारे गाँव में हमारा ग्राम सभा मानकी मुंडा उनको पैसा कानून स्टडी नहीं है हमको उसको पाठ पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है मान लिया जाए कोई अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन गया एजुकेशन e. मिनिस्टर को इंटरव्यू करेंगे भारत का किस संविधान के अंदर में मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य होता है उसका एक्ट का बात बताइए अनुच्छेद बताओ किस आधार पर जो है ना किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है आप बताओ स्थानीय नीति किस संविधान के आधार में प्रावधान है जो हाई कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा ऐसा बन सकता है बताओ तुम तो एम बन जाओगे जी हवा में बन जाओगे बहुत मुश्किल है अभी उधर दिखाई नहीं दे रहा है नौजवान लोगों में रुचि लेने में जो कमेंट्स देखेंगे ना हैं उल्टा पुल्टा कमेंट्स कर रहा है तो ये नहीं परिस्थिति को समझते हुए कमेंट तो आने दीजिए से कोई ये नहीं है ना तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग का अंतिम शब्दों में आप एक ये कीजिए विश्लेषण तो हम लोग कर लिए बहुत सारा भाजपा पे गए इधर उधर से गिए जनता को क्या करना चाहिए वो सिर्फ अपना देखिए एक चीज़ है जनता जो आज भोग रही है ना मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा इन तेईस वर्षों में ग्यारह बार सरकार बनी पांच बार चुनाव 2024 में छठवां बार चुनाव होगा राष्ट्रपति शासन तीन बार हुआ है ग्यारह बार मुख्यमंत्री बने एक बार गैर आदिवासी दास बने थे पाँच साल के लिए बाकी आदिवासी लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री पार्टी बना बीजेपी से भी जे से सब मिली जुली लेकिन आदिवासी का भला नहीं हुआ आज इन तेईस वर्षों के अंदर में यहाँ से पलायन करीब बीस लाख लोग गुजरात महाराष्ट्र पंजाब झारखंड छोड़कर चले गए इन तेईस वर्षों के अंदर में पोटमदा में जमीन में पानी नहीं पटा इन तेईस वर्षों के अंदर में पोटका में बंजर जमी पड़ गया खरकाई नदी सुबर्ण रेखा से पानी लिया जा सकता है एक एक साल में एक विधायक का विधायक फंड जो पाँच करोड़ होता है और पाँच साल में पच्चीस करोड़ होता है वो एक्स्ट्रा है जिला जोजोना ब्लॉक जोजोना सेंट्रल का योजना जो अलग विधायक को अलग पैकेज दिया जाता है पाँच साल में पच्चीस करोड़ पच्चीस करोड़ रुपया अगर सिंचाई व्यवस्था में कर देता कोई स्कूल कहीं एक ठो बना देता है कोई हॉस्पिटल बना देता है तो विधानसभा में काया पलट जाता है इसका हिसाब किताब जनता को लेना होगा कि ये पाँच एक साल में पाँच करोड़ विधायक फंड कहाँ जाता है कौन खाता पीता है इसका हिसाब किताब लो और पाँच साल में पच्चीस करोड़ उसका तंखा एम का सुख सुविधा अलग है अब पाँच साल के लिए एक एम को बना देते हो जीवन भर पेंशन का भारी रहता है हवाई जहाज़ एम रहने के बाद एम मैंने ए, एक समल ए में भी हवाई जहाज का टिकट मिलता है ट्रेन का फ्री रहता है तेल का फ्री रहता है जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है आप किसी एम एल ए को अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जुलूस क्यों करते हो बोड़ागुड़ा से टाटा क्यों आप जुलूस करते हो आपका एम एल ए रहते हुए आप गवर्नर के वहाँ क्यों धरना में बैठे हो आपका सरकार और विपक्ष रहते हुए तो एम एल एम पी मजाक बात है आप वोट दे के एम एल एम पी बना दिया और तुम यहाँ से पैदल जाओगे गवर्नर हाउस ये मजाक बात है ये जागृति का अभाव है जानकार का अभाव है और हमको लगता है कि ये जो विधायी का पाठशाला राजनीतिक पाठशाला जो हर हाँ टी चैनल जो हम लोग यूट्यूब खुले हैं ये लोगों को जागरूक करने का एकमात्र उद्देश्य है जनता जनता जागरूक होगी मैंने शुरू में कहा है कि जैसा सांसद वैसा सांसद बनेगा सांसद hmm? मैंने एम पी बनेगा hmm? वैसा सांसद बनेगा, hmm? वैसा संसद बनेगा। hmm? जैसा विधायक बनेंगे वैसा विधेयक बनेगा आज तक विधेयक नहीं बना और वैसा संसद नहीं बना इसलिए जागरूक जनता योग्य उम्मीदवार को चुनना होगा जिसके उसकी आवाज़ सुनना होगा और तब बदलाव होगा और नहीं तो माथा पीटते रहो दारू हड़ियाँ दे के वोट देते रहो तेरा कुछ होने वाला नहीं है चलिए इसी के साथ हम लोग ने झारखंड का विस्तारित रूप से बात किया बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारे बातें हैं बहुत सारे चीज़ें हैं का हम लोग जब से देखते हुए आए हैं का यहाँ पे अट्ठाईस आदिवासी सीट है और हर चुनाव में अट्ठाईस आदिवासी विधायक बनते हैं कई कई विधायक दो तीन बार भी बने हैं कई विधायक नया नया बने हैं विभिन्न प्रकार का बातें हैं लेकिन आदिवासी मूलवासी चाहे झारखंड में हम लोग देखते हैं कई कहीं विकास का नज़र नहीं आता है बड़ी दुखदाई बात है हम लोग देखते हैं कि आदिवासी अगर मान लिया जाए आदिवासी मूलवासी का बात किया जाए आदिवासी मूलवासी दोनों है लेकिन आदिवासी आप क्षेत्र में जाइए स्कूल का बड़ी मोहल ये हाल है आप स्कूल का सही ढांचा नहीं है स्कूल बच्चे लोग बड़े मुश्किल